नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। चाय बेचते बेचते हिंदी सीखी मैंने, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को खुलासा किया कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन बचपन में चाय बेचते हुए उन्होंने इसे सीख लिया। मोदी ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं गुजराती है, मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन चाय बेचते बेचते इसे सीखने का अवसर मिल गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले मोदी ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों के जोरदार ठहाकों के बीच कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती तो मेरा क्या होता, लोगों तक कैसे पहुंचता, भाषा की ताकत क्या होती है, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। मांस पर प्रतिबंध से शिवसेना नाराज। जैन पर्व पर्युषण को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर बढ़ती तकरार के बीच शिवसेना और मनसे आदेश का उल्लंघन करते हुए व्यस्त दादर इलाके में मांस बिक्री के लिए स्टॉल लगा रही है। भाजपा ने जहां प्रतिबंध का बचाव किया है, वहीं उसकी सहयोगी शिवसेना के साथ ही विपक्षी मनसे और कांग्रेस राकांपा ने इस पर विरोध प्रकट करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा 2017 में अहम MCGM चुनावों के पहले वोटरों को ध्रुवीकृत करने और समाज के एक बड़े धड़े के तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि मांस की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं हो। वहीं विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले मनसे पार्षद संदीप देशपांडे का कहना है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ दादर इलाके में मांस बेचने के दौरान वहां पहुंची पुलिस द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हम प्रतिबंध के खिलाफ अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार और निकाय संस्था आदेश वापस नहीं लेती। आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ प्रकरण। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। उन पर घरेलू हिंसा का आरोप उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने लगाया है। खबरों के मुताबिक भारती पर ये केस बुधवार को द्वारका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया था। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती व उनकी पत्नी का ये विवाद पिछले काफी दिनों से चल रहा है, जिसके बाद वे कई बार काउंसिलिंग के लिए भी जा चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनने पर अब जाकर उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सोमनाथ भारती की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा भारती पर जान से मारने, दहेज प्रताड़ना और धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज किए गए हैं। लिपिका ने सोमनाथ भारती से 2010 में शादी की थी और इसी साल जून में दिल्ली महिला आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। लिपिका पिछले 3 सालों से अपने 2 बच्चों के साथ द्वारका में एक किराए के मकान में सोमनाथ से अलग रह रही थी। अमेरिका में सिख पर जानलेवा हमला। अमेरिका में एक अमेरिकी बुजुर्ग सिख पर बर्बर हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। ये घटना अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की बरसी के कुछ दिन पहले हुई है। खास बात यह है कि इस हमले में घायल हुए सिख को हमलावर ने आतंकवादी और बिन लादेन कहा है। शिकागो निवासी इंद्रजीत सिंह मक्कड़ पर यह हमला 8 सितंबर को हुआ। हमलावर ने उन्हें नस्लीय गालियां दी और उन्हें आतंकवादी तथा बिन लादेन बताते हुए कहा कि अपने देश वापस चले जाओ। समुदाय के संगठन सिख कोलिशन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी नागरिक एवं 2 बच्चों के पिता मक्कड़ किराने की दुकान पर जा रहे थे, तभी एक चालक द्वारा बार बार उनका रास्ता रोके जाने पर मक्कड़ द्वारा उन्हें साइड भी दिया गया, लेकिन चालक ने उन पर आक्रामक तरीके से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना में हमलावर द्वारा मक्कड़ के चेहरे पर वार किए जाने से वे बेहोश हो गए और उनका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।